उत्पत्ति दूसरा अध्याय के वचन में फिर यहोवा हुआ परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए उपयुक्त साथी को प्रभु ने दिया एक पति का सही साथी कौन है पत्नी है पत्नी का सही साथी कौन है पति है आप दोनों एक दूसरे का साथी है ये दोनों को देखते हैं प्रभु ने देखा आदम अकेला रहना उचित नहीं जानवर है वो सब सुविधाएं हैं लेकिन ये उचित नहीं है वो अकेला नहीं रहना उनके लिए सही साथी रखना तब प्रभु ने कहा एक साथी को मैं है करके परमेश्वर अव्वा को बना के दिया तब आपका जीवन में पत्नी को प्रभु ने दिया आपका क्या विश्वास करना प्रभु ने मेरे लिए उपयुक्त साथी को दिया उसे विश्वास रखे ये प्रभु ने मुझे दिया है इसे विश्वास करना ये परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है तब जो है उसे प्रेम कर सकते हैं आपको यह नहीं कहना माता पिता से शादी हुआ है उनको प्रभु ने इस्तेमाल किया सही साथी उनको द्वारा दिया है वैसे ही पत्नी भी ये पति परमेश्वर ने मेरे लिए दिया है माता पिता के द्वारा मुझे दिया है प्रभु ने मुझे दिया है यदि मन पसंद से शादी किए उसके बावजूद भी ये परमेश्वर ने मुझे साथी के रूप में दिया ये प्रभु ने मुझे दिया है परमेश्वर हमें एक दूसरों को साथी को दिया है इसको हमेशा याद रखना करके महिलाएं स्त्री उस पे ध्यान देना होगा आपको ये विशेष रूप से परमेश्वर पुरुषों के लिए बनाया है इस खास करके परिवार को संभालने के लिए पति को और बच्चों को संभालने के लिए खाना बनाना और पति को देना बच्चों को स्कूल भेजना और पढ़ाई पर ध्यान देना और सभी बातों में परिवार की लेन देन की बातों पर देना, पर करके एक के साथ आपको परिवार के लिए बनाया तो इसका मतलब खुद पर ध्यान देना उसके लिए अर्पण करना प्रभु मैं पति के लिए सही रहना पति अगर काम करता उनके लिए सही रहना यदि आप बिजनेस करने वाला पति है तो उस पर अलग से ध्यान देना यदि आपका पति विदेश में जाके बिजनेस करते हैं तो और उस पर ध्यान देना यदि आपका पति सेवक है तो उसमें अलग से ध्यान देना पड़ता है काम करके ड्यूटी के बाद घर आते हैं बिजनेस करने वाले बहुत देर में आते हैं रात में भी आते हैं समय में खाने में नहीं आएंगे इस पर आप ध्यान देना वो समय में नहीं आते हैं समय में खाने में नहीं आते हैं उनको शिकायत नहीं करना है आप पहले उस पर ध्यान देना है आप उसके अनुसार रहना है बिजनेस करते हैं, बड़े गांव घूमते हैं बीच रात में आते हैं तब एक एक बातों पर संदेह नहीं करना कमी नहीं करना और चुकली नहीं करना है आप बलवा नहीं करना और शादी के पहले अच्छा से पता करके जानना है उसके बाद आपको कुड़कुड़ाना नहीं अर्पण करना आप उपयुक्त तो साथी रहना सेवक है तो उनकी बातें अलग है सेवकों को प्रभु अलग से इस्तेमाल करता उनकी सेवा प्रार्थना वो सब जो है परमेश्वर बाघर भेजेंगे कभी कभी वापस आएंगे कभी कभी विदेश में जाएंगे आप घर में बच्चों को देखना होगा आप थोड़ा संभालना होगा ये सब अंडरस्टैंड करके आपका पति के उपयुक्त साथी के रूप में रहना मैं देख लूंगी आप जाइए मैं प्रार्थना करूंगी आप जाइए आप काम पर ध्यान दीजिए मैं दुआ करूंगी आप मैं मदद करूंगा आप उत्साह देना आप उनको शिकायत नहीं करना कुड़कुड़ाना नहीं साथी के बन के रहना पति भी ऐसे ही आपके पत्नी काम करती तो पत्नी काम करने से आप घर में काना में उनको मदद करना है और अगर उनका पैसा चाहिए लेकिन आप वो मदद नहीं करते हैं दोनों मदद करने से परिवार को चलाएंगे आप काने में सब काम में पति भी मदद करना है घर का सफाई में काने के बातों में मदद करना है नहीं मैं पति है अब तू पत्नी काम करो घर में बाकर दोनों में काम करके पैसा लाओ वो उचित नहीं है पति समझ के पत्नी के लिए अच्छे साथी बनना है दो बच्चे हैं तो एक बच्चों का आप तैयारी करो मैं एक बच्चों को तैयारी करूंगा। आपको मदद करना होगा इसलिए प्रभु परिवार को दिया है ये उपयुक्त साथी रहना। में उत्पत्ति दूसरा अध्याय का सोलह सत्रह वचन में देखिएगा परमेश्वर मैं एक आज्ञा को दिया तुम इस फल को नहीं खाओ सब कुछ खा सकते हो इस फल को तुम नहीं खाना आज्ञा दिया आज्ञा एक परिवार का मतलब ऐसे ही रहना प्रभु आज्ञा दिया पत्नी ऐसे रहना पति ऐसे रहना बच्चों ऐसे ही रहना माँ बाप ऐसे रहना बाइबल में है इस बाइबल का वचन एक हमारा कानून पुस्तक है संसारिक लोगों का समान नहीं उन लोग का समान बोलना नहीं संसारिक लोग संसार की रीति के अनुसार उसी बुद्धि से बोलते हैं ऐसे ही रहना वैसे रहना ऐसे ही बोलते हैं हमारे लिए परमेश्वर कानूनी पुस्तक दिया ऐसे ही रहना लिख के दिया क्यों गुलामी रूप में नहीं इसी प्रकार रहने से परिवार खुशी परिवार रहेगा सुखी परिवार रहेगा आशीष मिलेगा इसके रास्ता को प्रभु लिख के दिया है इस पर यह हमें बोझ नहीं समझना है यही वचन कहता है उस आज्ञा को मानना है हे प्रभु तेरे वचन के अनुसार पत्नी के समान रहूंगी और पति सही ढंग से तेरे वचन के अनुसार मैं जीवन निर्वाह करूंगा उस आज्ञा को मानना है बच्चे माता पिता की आज्ञा मानना आदर करने के लिए वचन कहता ऐसे ही मैं करूंगा माता पिता बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाएंगे उस आज्ञा को मान के आज्ञा मानना है तब परिवार में परमेश्वर के आशीष मिलेगा देखिएगा इसी प्रकार परमेश्वर परिवार को दिया है उस दिन आदम और अव्वाह को क्या कमी थी कुछ भी कमी नहीं थी उसमें बीमारी नहीं था उस दिन में डर नहीं था उस दिन में उनको रोग नहीं था किसी के बारे में चिंता नहीं था पूरा आशिस था यही परमेश्वर परिवार में आशीष दिया है ऐसे ही आपको रहने के लिए प्रभु चाहता मेरे बच्चे बिना चिंता के साथ रहना डरना नहीं है परिवार के बोझ के चलते हुए कभी भी नहीं घबराना है वो खुशी के साथ रहना आनंद में रहना पति पत्नी बच्चे सब के साथ परिवार एक छोटे पर का समान रहना इसलिए प्रभु परिवार को दिया इन लेकिन आप खुद नरक बना देते हैं इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को शिकायत करते हैं बच्चों को शिकायत करते हैं वो सब छोड़ के वचन को आज्ञा मानना है उत्पत्ति तीसरा के आठ में प्रभु ने उनका साथ रहता था तब परमेश्वर संग संग रहना ऐसे ही परिवार रहना और यीशु का उपस्थिति आपका परिवार में रहना है हे प्रभु तेरे इस परिवार के रूप में ये रहना है आदम अववाव का जैसे आज्ञा दिया आशीष दिया जिम्मेवारी को दिया ऐसे आशीष दिया उसको अर्पण करना है प्रभु हमारे परिवार में तेरे वचन का अनुसार अर्पण करते हैं अर्पण कीजिएगा प्रभु आशीष देगा भरपूर आशीष मिलेगा अभी हम प्रार्थना करेंगे सब घुटना में आ जाएंगे आपका परिवार में सारे पति पत्नी बच्चे माता पिता आप घुटना टेक यीशु एक अच्छे परिवार को दिया स्तुति वो बच्चे भी दुआ करें माता पिता को दिए स्तुति वो प्रभु पति बोलिएगा प्रभु तू ने मुझे अच्छे पत्नी को दिया धन्यवाद पत्नी बोलिए आपने जो पति को दिया है स्तुति करते हैं प्रभु या उपयुक्त साथी को दिया है हम गल तू गलती नहीं करता खुशी के साथ हम ग्रहण कर हैं, मेरे मन का निसार नहीं तू अपनी इच्छा का निसार सही साथी को दिया विश्वास करते हैं इस जिम्मेवारक में पूरा करूंगा अर्पण कीजिएगा जहां कमी है अर्पण कीजिएगा प्रभु मैंने गलती की मेरे गलती को क्षमा करें मैं अपने आप को अर्पण करता हूं तू प्रभु जी परिवार का अगुवे रहना है तो हम प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना के निवेदन को रखें आपके जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा हे पिता आदम अव्वाह को तू सृष्टि की परिवार को तूने बना के दी उनको आशीष दिया कमी को तु दूर की प्रभु इन बच्चों के साथ मिलके हम स्तुति करते हैं तू अच्छे परिवार को दिया है आशीष को दिया है सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का समय में आपके आज्ञा को मानने वाला इस हृदय को दें प्रभु पति को और पत्नी को प्रेम करने का हृदय को तू देना पत्नी को भी पति की आज्ञा मानने की हृदय को तो देना बच्चों को माता पिता की आज्ञा मानने आदर सम्मान करने के हृदय दें। माता पिता बच्चों से प्रेम करना उनको गुस्सा नहीं दिलाना शिक्षा में पालन पोषण करना है प्रभु इस परिवार में प्रभु की शांति रहना है आदम अवा की परिवार में कुछ भी कमी नहीं रहा था वैसे ही प्रभु तू इनको डराने वाली बातों को दूर करे ये शुक्र नाम से डर दूर होने पाए चिंता देने वाली समस्याओं को दूर कर उनकी चिंता को तू बदलना अद्भुत काम करना प्रभु सारे डर को चिंता को भविष्य के चिंता को यीशु नाम से बदलना है प्रभु इनके अच्छे चंगाई को तू देना रोगों को परिवार से दूर करना सुरक्षित रखे उनको आमदनी को तो आशीष दे जिनको काम नहीं है अच्छे काम मिलना है प्रभु प्रभु आमदनी के लिए रास्ता खोलना है काम में आशीष देना पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान बुद्धि को दें इनके परिवार में भरपूर आशीष मिलना है आज इस परिवार में जो जरूरत है जिन बातों के लिए दुआ करते हैं ईश्व का नाम से उसे पूरा करना है प्रभु पूरा पूरा आशीष इस परिवार में बरकरार रहना है परिवार के साथ प्रार्थना करने मदद करें इस परिवार में जाकृति का आग तो उनढेल दे प्रार्थना की आत्मा से तू तो बरना है प्रभु के गवाही जीवन बिताने पाए प्रभु कलिशिया में गवाही का जीवन बिताने पाए सबको प्रभु गवाही देने पाए प्रभु जाकृति में इनको इस्तेमाल करना इनके गली में इनके गाँव में प्रभु जाकृति मिलना है प्रार्थना करते हैं प्रभु का हाथ आशीष दिया इस्तेमाल करता स्तुति वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता आमेन आमेन